आज का दिन जदयू के लिए लाभकारी रहा तो वहीं राजद के लिए कमजोर करने वाला कहा जा सकता है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के समधी चंद्रिका राय, फराज फातमी और जयवर्धन यादव ने नीतीश कुमार की नीतियों में विश्वास व्यक्त करते हुए जदयू की सदस्यता ग्रहण की। माननीय लालू प्रसाद जी के बड़े बेटे, उन्होंने ओपनली सामने खड़ा होकर के चार पांच हम लोगों के ऑफिशियल कैंडिडेट को विरोध करने का काम किया। जब समीक्षा की बैठक हो रही थी, मैंने कहा कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी का बेटा हो, उसको अधिकार नहीं है सब करने का, और वो पार्टी से ऊपर नहीं हो सकता है। उसको कम से कम शो कॉज करके उसको कोई सजा देनी चाहिए। मगर विचित्र बात है, इन तीनों ने कुछ नहीं किया मगर इनको सजा दी। खेत खेत खाए गधा, अमार खाए इन दोनों विधायक लोग। तो गधा को ना पनिशमेंट पहले मिलना चाहिए था, तब किसी और की बात होनी चाहिए थी। अगर ऐसा अन्याय हुआ उसको देखने के बाद इस तरह की बातें नहीं हो सकती है। मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, आज राष्ट्रीय जनता दल जो पहले की तरह थी गरीबों की पार्टी, आज गरीबों की पार्टी नहीं है। आप देख रहे होंगे किस तरह से टिकट का बंटवारा हो रहा है। राज्यसभा का टिकट हो, कहीं से चले आते हैं मेडिकल कॉलेज के धनाढ्य लोग चले आते हैं और उनके लिए रेड कार्पेट वेलकम होता है। कहीं दिल्ली के व्यवसायी चले आते हैं और कितना पैसा खर्चा करने के बाद उनको रेड कार्पेट का वेलकम किया जाता है। गरीबों की वहाँ कोई कुछ नहीं है। जिन गरीबों ने उस पार्टी को खड़ा करने का काम किया, आज वो मायूस है। देख रहे हैं किस तरह के कहीं से मुंबई से शरीफ आ जाते हैं और ऐसे लोगों को तरजीह दिया जाता है, और जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है। जदयू खेमा में इन नेताओं के आने से जहां खुशी है, वहीं राजद खेमे में दहशत भरी खामोशी का आलम है। लेकिन कई राजद नेताओं का कहना है कि जाने वाले नेताओं से दल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, SDF न्यूज, पटना।